हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 8 चैप्टर इज क्यूब एंड क्यूब रूट। आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 4.1 दे पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन की कह रहा है फाइंड द क्यूब, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस कुछ पार्ट है। फर्स्ट है फाइंड द क्यूब, आप की है नंबर्स गिवन है उन्होंने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब मतलब नंबर नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपस के, जिमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है 14 की पावर 3। क्यूब का मतलब होंगे पावर 3, स्केयर का मतलब होंगे पावर 2। तो आप 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करा, मतलब नंबर नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तो अपना आंसर कि आ गया 2744। सो दैट इज़ द आंसर। मल्टीप्लाई तुम खुद परफॉर्म कर सकते हो। ये आप जो एक और क्वेश्चन करिए, लाइक 3/11। नैक्सट इज 3/11, इन आप करना है क्यूब करना है। क्यूब मीनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो 3/11 मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 3/11, नंबर नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9 9 3 जा कि हो गया 27। 11 × 11 × 11 दैट इज 1331। सो दैट इज़ द आंसर। ठीक है, इस तरीके नाल तुसी पहला पार्ट सारा सोल्व कर सकते हो। जिमें अपने को एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन अपने को मिक्स फ्रैक्शन में 4 2/3 का आप करना है क्यूब करना है। तो सब तो पहला आपू की है इमप्रॉपर दे चेंज करा, 4 3 जा 12 12 + 2 कि आ गया 14। सो 14/3 पावर कि आ गई अपने को 3 आ गई। नाओ 14/3 मल्टीप्लाई 14/3 मल्टीप्लाई 14/3, तो उपर उपर मल्टीप्लाई होएगी थले थले। जेकर उपर मल्टीप्लाई करिए कि आ गया 2744 डिवाइड बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27। सो दैट इज़ द क्यूब ऑफ 14/3। तो फस्ट पार्ट तुम खुद परफॉर्म कर सकते हो, जिंद सिर्फ आप करना क्यूब करना। क्यूब का मतलब नंबर नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी। हूँ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे कह रहे हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। हूँ परफेक्ट क्यूब दसने कि जिमें आप लास्ट चैप्टर परफेक्ट स्केयर पढ़े से, सेम आप परफेक्ट क्यूब दसने। लाइक अपने को फस्ट क्वेश्चन है 729। 729 की आप करा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो सब तो पहला 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 तो गया 243, 3 नाल डिवाइड किया 81, अगेन 3 तो डिवाइड किया 27, अगेन 3 तो डिवाइड किया 9, अगेन 3 तो डिवाइड किया 3, लास्ट में फिर 3 तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। हम देखो 729 की आप की प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर आप करना इनू डिवाइड करते जाना। स्केयर के आप पेयर के एक सिलेक्ट करते हैं, क्यूब के तिना के एक इन्हों आ गया एक इन्हों आ गया। सो 3 × 3 सो दैट इज़ 9। सो आप लिखा 729 इज परफेक्ट क्यूब। 729 अपने को है परफेक्ट क्यूब है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर आप करते एक और दैट इज़ 980। मैं कोई 2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी तुसी खुद कर सकते हो। जिम्मे 980 वाला 980 तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनकी, पहला 2 तो डिवाइड किया देखो कि आ गया 490, अगेन 2 तो डिवाइड किया 245 आ गया। हम 245 में जेकर आप 5 से करिए कि आ गया 49, 49 आप 7 नाल किया 7, 7 7 नाल किया कि आ गया अपने को 1 आ गया। देखो कोई भी अपने को तिना के एक सिलेक्ट नहीं हो रहा, ना तो 2 पूरे आ ना ही 3 पूरे ना ही 7 पूरे आ। ओके सो आप लिखा 980 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 980 अपने को परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिंदे विचों तिना दे विचों एक सिलेक्ट हो जाए ठीक है, वह तो परफेक्ट क्यूब होएगा। जिंदे विच नहीं हो रहा दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इंदे नाल दे जिन्ने भी बाकी क्वेश्चन तुसी के खुद परफॉर्म कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री च आप दसना है आइडेंटीफाई द क्यूब ऑफ फॉलोइंग एज क्यूब ऑफ ऑर्डर इवन नंबर। तो रिमैंबर वन थिंग, ऑड नंबर का जेकर आप क्यूब करांगे तो वह की आएगा अपने को ऑड आएगा। जिमें आप एग्जाम्पल लीए 3 का क्यूब करिए 27, दैट इज़ ऑड, रिजल्ट इज़ ऑलसो ऑड। ओके तो जेकर आप ऑड नंबर का क्यूब करांगे तो ऑड आएगा, जेकर आप इवन नंबर
इवन नंबर द क्यूब करेंगे दैट विल बी इवन. सो एग्जाम्पल इज 4, 4 द क्यूब करिए कितना होंगे 64, दैट इज इवन, दैट इज ऑल्सो इवन. तो याद रखो ऑड द क्यूब ऑड आएगा, इवन द क्यूब इवन आएगा. जिमें देखो 512 इवन नंबर है तो इनका क्यूब भी की आएगा अपने को इवन आएगा. नैक्सट अपने को 9261 ये अपने को ऑड है तो इनका क्यूब रूट भी की आएगा ऑड आएगा. ओके सो इवन है तो इवन ऑड है तो ऑड. इनके नाल दे बाकी जिन्हें भी क्वेश्चन है तुसी की खुद कर सकते हो, पर जे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तुसी मैनू की मेरे वट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, दैट इज़ माई वट्सएप नंबर. नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर दे विच की कह रहे हैं, राइट द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर. तो एक गल याद रखो, वन का जो आप क्यूब करांगे तो रिजल्ट भी की आएगा वन आएगा. यूनिट डिजिट देख रहा मैं, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट. टू वाले लिए टू का की आएगा 8, थ्री का होंगे 27, तो यूनिट की आ गया इतने, यूनिट डिजिट की आ गया 7. उस तो बाद 4 का क्यूब होंगे 64, 5 का क्यूब 125, तो यूनिट डिजिट की इतने 5, इतने अपने को है 4 है. जेकर आप 6 का क्यूब करिए, 6 का क्यूब कि आ गया 216, तो इन यूनिट डिजिट की अपने को 6. नैक्सट 7 का क्यूब करिए 343, तो इतने अपने को यूनिट डिजिट की है 3 है. उस तो बाद 8 का क्यूब करिए कि होंगे 512, तो यूनिट डिजिट अपने को की है 2 है. उस तो बाद 9 का जो आप क्यूब करिए कि होंगे 729, 9 के यूनिट डिजिट की आएगा 9 आएगा. जेकर आप 10 देखिए तो कि होंगे 1000, यूनिट डिजिट कि होंगे 0. तो याद रखो 1 का सेम, उस तो बाद की आ गया 4 का सेम, 5 का सेम, 6 का सेम, 9 का सेम, तो 10 का सेम. उस तो बाद 2 का 8 का 2, 3 का 7, तो 7 का 3 आएगा. जिमें अपने क्वेश्चन है 55 का क्यूब, तो देखो इतने लास्ट में की है 5 के की आ 5, तो आप लिखांगे यूनिट डिजिट विल बी 5. यूनिट डिजिट की आएगा अपने को 5 आएगा. जिमें अपने को 864 का क्यूब, लास्ट में की है 4 के सामने कौन है 4, तो यूनिट डिजिट की आएगा, यूनिट डिजिट दैट विल बी 4 आएगा. ओके नैक्सट अपने को 187, 7 का की होंगे 3 होंगे, यूनिट डिजिट की आ गया अपने को 3 आ गया. लास्ट है 93 का की होंगे अपने को 7, तो यूनिट डिजिट की आ गया 7 आ गया. नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ी जी हिंट दूंगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ 13 बाय एडिशन ऑफ कॉन्जीक्यूटिव ऑड नंबर. देखो आप लगातार जोड़े ऑड नंबर है उन्होंने ऐड करके आप क्यूब फाइंड कर सकते. जिमें देखो 1 का क्यूब कि होंगे 1 होंगे. जेकर आप नैक्सट 3 तो 5 ऐड करिए कि होंगे 8, दैट इज क्यूब ऑफ 3. ओके 5 तो बाद नैक्सट कौन आ गया 7 प्लस 9 प्लस कि आ गया 11 आ गया. ठीक है ये कि बन गया अपने को 27 के नंबर का क्यूब है 3 का क्यूब है. 11 तो बाद कौन आ गया 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 एडिशन करके कि आ गया 64 के नंबर का क्यूब है 4 का. ठीक है इतने अपने को 1 है तो 1 ही लाँगे, 2 है तो आप 2 कॉन्जीक्यूटिव ऑड नंबर लाँगे, 3 है तो 3 कॉन्जीक्यूटिव ऑड नंबर, 4 है तो 4 कॉन्जीक्यूटिव ऑड नंबर. इस तरीके नैक्सट 21 23 25 27 29, जेकर आप सारे ऐड करिए दैट इज़ इक्वल टू 125. हुण 125 कि नंबर का क्यूब है 5 का. इस तरीके फाइंड करते कि एंड 13 का क्यूब फाइंड करोगे. 13 का क्यूब कितना होता है 2197 नंबर, तुसी के खुद लिख सकते हो. ठीक है इस तरीके नाल तुसी के लिखने हैं किन्ने नंबर आउणगे, लगातार 13 नंबर आउणगे, केड़े आउणगे वो तुसी खुद चेक कर सकते हो. नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज चल रही है अपनी 4.1. क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहे हैं, वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक 576 एज परफेक्ट क्यूब.
कहिंदा 576 नूं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए परफेक्ट क्यूब बन जाए। आपां नंबर की गिवन है 576, तो आप की करांगे दी प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, कितना आ गया 288, अगेन 2 ते कीता 144, 2 ते कीता 72, 2 ते डिवाइड कीता 36, 2 ते डिवाइड कीता 18, 2 ते डिवाइड कीता कितना आ गया 9, 3 ते डिवाइड कीता कितना आ गया 3, 3 ते फिर डिवाइड कीता तो कितना आ गया 1 आ गया। हुण आपां देखना किंदा पेयर नहीं बन रहा तिन्नां दे विचों, इंदा आ गया 2, इत्थे फिर 2 आ गया, हुण एक 3 घट है, जेकर अपने कोल एक होर 3 हुंदा तां इहने की बन जाणा सी परफेक्ट क्यूब बन जाणा सी। तां आपां लिखांगे 576 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। जेकर आपां 576 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करदे आ तां किन्ना बनदा 1728। हुण 1728 दा जेकर आपां क्यूब रूट देखिए तां किन्ना हुंदा 12 हुंदा, तां मतलब 576 नूं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करन दी जरूरत है, दैट इज़ 3। जेकर आपां 3 नाल करांगे 1728 विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 12। ओके नैक्सट क्वेश्चन नंबर सैवन की कह रहा, वट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 36,000 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम देखो क्वेश्चन की आ गया 7, 36,000, तो आप इनू की करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, इनकी भी पहला 2 ते डिवाइड किया 18,000, 2 ते डिवाइड किया 9,000, 2 ते डिवाइड किया 4,500, 2 ते डिवाइड किया 2,250, 2 ते डिवाइड किया 1,125। नैक्सट हुण 1,125 किन्ने ते जांदा अपने कोल 3 ते डिवाइड होएगा, ठीक है। जेकर आपां नूं 3 ते डिवाइड किया किन्ना आ गया 3, उस तो बाद 7, उस तो बाद की आ गया 5, फिर 3 ते डिवाइड किया 125, उस तो बाद 5 ते डिवाइड किया 525, फिर 5 ते डिवाइड किया 5, फिर 5 ते डिवाइड किया तां 1 आ गया। हुण देखो ये पेयर बन गया तिन्नां दे विच इक, उस तो बाद 5 वाला ही बन गया, एक तो 2 घट है, एक ही अपने को 3 घट है, तो आप लिखांगे 36,000 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 6 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि एक अपने को 2 घट है, एक अपने को 3 घट है। तो देखिए आप 36,000 जेकर आप 6 नाल मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 2,16,000। हम 2,16,000 का जेकर आप क्यूब रूट देखिए तो कितना आता अपने को 60 आता, ठीक है, कितना आएगा अपने को 60 आएगा। तो आपको किन्दे नाल मल्टीप्लाई करनी पेगी, एक 2 नाल करनी पेगी, एक 3 नाल, सो 3×2 जा कितना होता 6, तो पूरी मल्टीप्लाई किन्दे नाल होएगी अपने को 6 नाल होएगी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर एट की कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच -250 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हुण आपां डिवाइड करना, तो देखो 250 आ, पहला 2 ते गया 125, 5 ते गया 25, 5 नाल डिवाइड किया 5, 5 नाल डिवाइड किया 1। हुण देखो ये तो बन जाएगा अपने को एक, तिन्नां दे विच एक सिलेक्ट कर सकते हैं, फालतू कौन है 2 है, तो आप की लिखांगे 250 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो देखो जी आप 250 नू चाहे माइनस लगा लो, 2 नाल डिवाइड किया कितना आ गया -125। हुण -125 का जेकर आप क्यूब रूट पता करिए कितना होंदा -5 होंदा, तो आपां नूं -250 नूं किहदे नाल डिवाइड करना पएगा 2 नाल डिवाइड करना पएगा। जेकर आप 2 नाल डिवाइड करांगे तो जो बाकी बचेगा रिजल्ट दैट इज़ -125 विच इज़ क्यूब ऑफ -5। नैक्सट क्वेश्चन नंबर नाइन की कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1029 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम
हम देखो अपने को सेम क्वेश्चन है तो आप इन डिवाइड करा पहला थ्री से डिवाइड किया 343 343 सैवन किया 49 सैवन नाल डिवाइड किया 7 सैवन नाल डिवाइड किया 1 हुण इह तां बन गया अपने कोल तिन्नां दे विच एक सिलैक्ट कर सकते हैं फालतू कौन है 3 सो 1029 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब तो जेकर आप डिवाइड करिए 3 नाल तो कितना आ गया 343 हम 343 का अपने को क्यूब कितना होता 7 सो आंसर कितना आ गया अपने को 7 आ गया ठीक है नैक्सट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज पूरी करती मैं इस वीडियो दे विच क्वेश्चन नंबर 10 अ क्यूब हैज डायमेंशन 8 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर मल्टीप्लाई 11 मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम अपन की है लेंथ गिवन है 8 मीटर ब्रेड्थ गिवन है 7 मीटर हाइट गिवन है 11 मीटर इस तरह लिख देना लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वॉल्यूम की होंगी है दैट इज एल इनटू बी इनटू एच सो 8 इनटू 7 इनटू 11 दैट इज इक्वल टू 616 मीटर क्यूब ओके सो 8 नू 7 नाल कीता 56 56 नू 11 नाल कीता कितना आ गया 616 मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम दे यूनिट की होंदे आ मीटर क्यूब जेकर आपां नू मीटर विच गिवन है मीटर क्यूब लवांगे सेंटीमीटर विच गिवन है तां सेंटीमीटर क्यूब लांगे ए सी अपने कोल एक्सरसाइज 4.1 नैक्सट वीडियो दे विच आपां एक्सरसाइज 4.2 दे बारे डिस्कस करांगे